हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आप देख रहे हो ऋषभ चौधरी व्लॉग्स, सर मेरा नाम है ऋषभ। तो दोस्तों, आज जैसा हमारे पीछे देख रहे हो आपने, मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा जो गाड़ी देखी होगी वो है ग्रैंड विटारा, मारुति की सारी गाड़ी ज्यादातर देखी होगी, स्कॉर्पियो देखी होगी। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो है भाई अपनी लेटेस्ट इन लॉन्च टाटा पंच। तो भाई जो ये टाटा पंच है हमारे पास बंगाल से आई है और भाई बिल्कुल बेस मॉडल आई थी और हमने इसको कर दिया पूरा टॉप मॉडल में जो है कन्वर्ट। तो कैसे कैसे काम किया है, कैसे कैसे काम हुआ है, कहाँ पर हुआ है, वो सारे बताएंगे अपने ऑटो क्लासिक वाले विपुल भाई, वो सारे बताएंगे अपने ऑटो क्लासिक वाले दीपक भाई। तो बिना किसी देरी के करते आज की वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है, लेट्स गो। सो भाई लोग जैसा देख रहे हो आज की वीडियो हमारे साथ रहने वाले हैं मिस्टर दीपक भाई। राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम भाई हमारी वीडियो आप लोगों ने पंच पे कभी पहले देखी होगी। बिल्कुल भैया, लेकिन आज फिर से हमारे पास क्या खड़ा है, पंच का प्योर मॉडल जो प्योर बिल्कुल नहीं रहा जी, सबसे पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, ऐसी ऐसी मॉडिफिकेशन है ना, तो आपने देखी होगी ना आपने सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इसको बना दिया है बिल्कुल टॉप मॉडल। सुबह आई थी बेस मॉडल, सुबह सुबह आई थी बिल्कुल। और भाई अभी कॉस्टिंग की बात करेंगे लास्ट में, सबसे पहले फ्रंट से बात करते हैं क्या क्या किया है भैया। सबसे पहली बात, जो हमारी पूरी कनेक्टिंग DRL आती है जी, लुक को एनहेंस करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया जी। इसके बाद बात करते हैं हमारी पियानो किट लगी है पूरी। अच्छा, जो हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई, हैंडल हो गए, मिरर हो गए। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद हमारा एक डिफ्यूजर है भैया जी, GT की बैचिंग के साथ रहने वाला है, ठीक है, ब्लैक एंड सिल्वर टोन के अंदर, ठीक है। एक हमने फॉगलाइट इंस्टॉल करी है विद LED। अच्छा अच्छा। और हेडलाइट में भी हमने LED डाली है। LED जो हमारे पे स्टार्ट हो जाती है वो 2000 से हो जाती है। अच्छा ठीक है, बाकी जैसा आपका बजट हो उस रेंज तक आप जा सकते हैं। बिल्कुल, तो एक बार मैं LED को जला के भी दिखा देता हूं आप लोगों को। सो भाई ये देखो, ये हाई बीम है, लो बीम है, बंद कर दिया, ये फॉग लैंप्स है, ये सब कुछ बंद हो गया, हाई बीम लो बीम। सो कहने का मतलब कि भाई मतलब गाड़ी के ऊपर कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है जिसमें कमी करी होगी। बिल्कुल। और इसके बाद बात करते हैं, हमने लगाया इसके अंदर 360। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल यार ये देख लो, फ्रंट कैमरे की प्लेसमेंट दिख रही होगी वही हम, बिल्कुल साइड मिरर के कैमरे की दिख रही होगी आपको, दिखाऊंगा बैक साइड की भी दिखाऊंगा और क्या क्या है वो पूरा ओवर भी बताऊंगा। तो ये हमारा फ्रंट फेस रहने वाला पूरा ओवरऑल। ठीक है ठीक है भाई, ये देख सकते हो यार गाड़ी कितना अच्छा लुक निकाल रही है। भाई मैं कह रहा हूँ ना, पहली बार मुझे जो एस टाइप वाले अलॉय व्हील है ना भाई, टाटा पंच के अंदर जबरदस्त लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई सबसे बढ़िया बात क्या लग रही है, डुअल टोन रैप हुआ है इसके ऊपर। साइड प्रोफाइल से बात करते हैं भैया, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके अंदर सेंटर लॉकिंग लगाई है जी, जो हमारी RD कंपनी की रहने वाली है, ठीक है जी। प्रॉपर बैचिंग RD की सब आपको मिल जाएगी। ओके। एक हमने इसमें लगाई है मिरर फोल्डिंग। मिरर फोल्डिंग करी है इसके अंदर, ये देख सकते हो क्या बात। ये पंच का प्योर मॉडल रहने वाला है, इसके अंदर हमने मोटर और रिले लगाई है, ठीक है। सिंगल टैप रहेगा, आप दिखा सकते हो इसके अंदर, ये देखो भाई। और 360 की प्लेसमेंट यहाँ, 360 की हमारी OEM प्लेसमेंट जो आती है वो रहने वाली है भाई। इतना काम तो हम ग्रैंड विटारा में भी नहीं करते, इतना टाटा पंच में करते हैं भैया, शौक शौक की बात होती है। हाँ जी। इसके बाद हमने टू टोन रैपिंग करी है, ब्लैक कलर का भी ऑप्शन रहता है, व्हाइट कलर का भी रहता है, ठीक है जी। लेकिन जो गाड़ी का कलर है वो मैग्मा ग्रे है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग व्हाइट कलर का कोई जवाब नहीं है भाई। अच्छा लग रहा है जैसे रेड स्विफ्ट में व्हाइट कलर का। बिल्कुल बिल्कुल जी, पूरी टोनिंग दिखने वाली आपको टू टोन की। इसके बाद बात करें, हमने रूफ रेल लगाई है, ठीक है, जो प्रॉपर डाइजेक्स की बैचिंग के साथ रहने वाली है जी जी जी। इसके अंदर हमने व्हाइट कलर का स्पॉइलर लगाया, जो पूरा मैचअप दिख रहा होगा आपको जी जी जी। हाँ जी भैया, एक हमने पियानो किट का हमारा जो पूरा एक्सेसरी आता है, हैंडल हो गया, मिरर हो गया और बाकी सब चीज आपको दिख ही रहा होगा इसके अंदर। ओके ओके। तो भाई ये देख सकते हो साइड की प्रोफाइल से कुछ ये सारा काम हुआ। बात करो अलॉय व्हील्स की तो भाई आप लोग देख सकते हो भाई, मैं भी बोल रहा हूँ भाई मेरे को अलॉय व्हील बहुत अच्छे लग रहे टाटा स्नेक के पंच के अंदर पहली बार दिखे होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसके बाद बात करें बैक साइड से, तो बैक साइड में भी हमने डिफ्यूजर लगाया, जो पंच की बैचिंग के साथ सिल्वर और ब्लैक की टोनिंग में रहने वाला है, ठीक है जी। 360 कैमरे का जो बैक कैमरा है उसकी प्लेसमेंट आप देख सकते हो, ये देख सकते हो भाई, ठीक है, प्रॉपर आपको दिखने वाला है जी। और जो हमारी पियानो की किट रहने वाली है उसको तो कोई जवाब ही नहीं रहता गाड़ी के अंदर लगने के बाद, ये देखो ठीक है प्रॉपर। एक हमने इसके अंदर रिफ्लेक्टर भी लगाए हैं जी, तो रिफ्लेक्टर अपने जो अगर हम लॉक अनलॉक करेंगे तब भी काम करते हैं ये लोग। नहीं भैया, इसमें सेंटर लॉक का ऐसा कोई ऑप्शन आता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी ठीक है। तो भाई फ्रंट से यही सारा कुछ गाड़ी के अंदर काम हुआ है, चलते हैं बिना किसी देरी के गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं इंटीरियर में क्या क्या काम हुआ। बिल्कुल भैया। तो यहाँ पर इस वक्त हम आ चुके हैं कहाँ पर, इंटीरियर में, इंटीरियर प्रोफाइल की तरफ। और इंटीरियर देख सकते हो भाई, इंटीरियर भी प्रॉपर कस्टमाइज,
सीट कवर अगर मैं बात करूँ कौन सा फैब्रिक यूज कराया? ये हमारा इम्पोर्टेड शाका रहने वाला भैया, ठीक है जी। टू टोन के अंदर सीट कवर भी थे, जो आइवरी कलर होता है और जो ब्लैक कलर होता है, ठीक है। डिजाइन आपको दिख रहा होगा, हमारी प्रॉपर बैचिंग दिख रही होगी एसी ऑटो क्लासिक के नाम से जी। और कुशनिंग की बात करें, जो भी सामान गाड़ी से निकला हो गाड़ी के अंदर ये पड़ा हुआ भाई ऐसे जैसे। तो भाई इसके अंदर डैम्पिंग भी हुई है? डैम्पिंग भी हुई है, डबल लेयर बोनट डैम्पिंग भी हुई है प्रॉपर इसकी। जी जी जी। हाँ, तो भाई डैम्पिंग से लेके सब कुछ गाड़ी के अंदर जो है आज काम हुआ है। बात करूं तो भाई इसके अंदर हमने आज अपनी ऑटो फोल्डिंग भी डाली है। ऑटो फोल्डिंग मैंने आपको दिखाई दिया भैया बाहर से। हाँ जी हाँ जी। इस गाड़ी के अंदर हाँ जी एक हमने प्योर मॉडल में जो आगे के दो कंट्रोल आते थे उसको चेंज करके चारों कंट्रोल वाले स्विच पैनल के साथ वर्किंग किया पावर विंडो। ठीक है जी। तो मैं बात करता हूँ भाई, सारे यहाँ पे आपको वर्किंग देखने के लिए मिलने वाले हैं। कोई भी पीछे से कोई टच नहीं है, आगे से सारे ऑपरेशन आ जाते हैं आपके। ठीक है जी भाई। फ्रंट के भी सारे अपने हाँ सब कुछ वर्किंग, और मिरर का भी आपको प्रॉपर दिख ही रहा होगा जी। सिंगल टैच, अरे वाह यार ये मतलब ऑटो एडजस्टेबल जो हमारा आता है ये देखिए भाई, प्रॉपरली ऑटो एडजस्टेबल जो है सारी चीज गाड़ी के अंदर जो है वर्किंग आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ भाई फ्रंट से, तो भाई फ्रंट में वो डैशबोर्ड से, तो डैशबोर्ड में क्या क्या हुआ है भैया? डैशबोर्ड पे हमारी एम्बिएंट लाइट लगी है जो प्रॉपर रहने वाली है, K3। ठीक है जी। डैशबोर्ड हो गया, डोर पैनल हो गया जी प्रॉपर इसकी। इसके बाद बात करें प्योर मॉडल के अंदर हमने स्टीयरिंग कंट्रोल लगाया है। हाँ जी हाँ जी। जो हमारे प्रॉपर सिस्टम से वर्किंग होगा आपको दिख रहा होगा जी। इसके बाद हमने एक टू टोन स्टीयरिंग कवर सिला है, रैप किया जो हमारे सीट कवर के साथ मैचअप रहने वाला है प्रॉपर इंटीरियर लुक के लिए। जी जी जी। इसके बाद बात करें भैया, नीचे हमने इसकी क्रोकोडाइल फ्लोरिंग की है, ये देखिए भाई, जो प्रॉपर रहने वाली हमारी डाई वाली, जिसको हम बोलते हैं प्योर वाटर प्रूफिंग। प्योर वाटर प्रूफिंग। हाँ जी भैया। ठीक है जी। सीट कवर हमने इसके अंदर इंस्टॉल करें, डैम्पिंग करिए जी। और सबसे मेन जो हमने इसके अंदर हेड यूनिट इंस्टॉल किया है वो ब्लॉपंग का किया है। ठीक है जी। लॉन्डेडल 900 इसका मॉडल नंबर रहने वाला है जी। विद 360 इंस्टॉल किया है, विद JBL स्पीकर, फ्रंट टू डोर कंपोनेंट एंड बैक साइड कोएक्सल स्पीकर। बिल्कुल। सो दीपक भाई यहाँ पे एक बार फोन कनेक्ट कर लीजिए इतने आप। बिल्कुल भैया। और मैं साथ साथ जो है एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि भाई इसके जो 360 वगैरह है वो कैसे वर्किंग करते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर हमने जो अपना मोबाइल कनेक्ट कर लिया है, पहले आप लोगों को गाने सुनाते फिर आप लोगों को 360 इसका दिखाएंगे, और मैं दिखा भी देता हूँ कि इसका एप्पल कार्प्ले एंड्रॉइड ऑटो कैसे काम करता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ सुन ली होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो म्यूजिक सिस्टम है पसंद आया होगा। दीपक मैं बात करूँ तो इसका 360 कैसे वर्किंग है एक बार वो और दिखा लीजिए। मैं आपको प्रॉपर 360 वर्किंग दिखाता हूँ इसका। ये हमारा ऐप आ गया, जैसे ये हमारा इस तरफ का कैमरा खुल गया आपके साइड वाला। ठीक है जी। जिस तरफ का इंडिकेटर दोगे उस तरफ का ही वर्किंग हो जाएगा जी। जैसे आप इंडिकेटर दीजिए, तो मैं इंडिकेटर दे दिया, उस तरफ का दिया उस तरफ का आ गया, इधर का दीजिएगा इधर आ जाएगा। ये देखो भाई क्या बात है भाई, काफी अच्छा जो मुझे। और नाइट विजन का है ये। अच्छा अच्छा, ये नाइट विजन का है। हाँ जी। तो भाई ये देख सकते हो ना, फ्रंट रियर साइड पूरी फुल सारी जो है आप लोग को यहाँ पे दिखने वाली है, प्रॉपरली पता लग जाएगा। हाँ जी। मैं बात करूँ तो 3D मोड कुछ इस तरीके से रहने वाला हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी भैया। सो भाई ये सारा काम जो है स्टार्टअप पंच के अंदर हुआ था। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितनी कॉस्टिंग आई है इसके अंदर भैया? इस गाड़ी में जो पूरा पूरा वर्क हुआ है सेम, इसकी अगर बिलिंग की बात करूँ तो 90,000 में सारा काम हुआ है। मात्र 90,000 रुपए में, जिसमें आपको पावर विंडो रहने वाला है जी, मिरर रहने वाला है, स्टीरियो विथ 360 रहने वाला है, ब्लॉपंग का मॉडल, स्टीयरिंग कंट्रोल, डैम्पिंग, एम्बिएंट लाइट, सीट कवर, इंटीरियर, जो भी म्यूजिक सेटअप है वो सारा। तो भाई ये कुछ इसके अंदर गाड़ी के अंदर जो मॉडिफिकेशन हुई थी। अगर किसी को भी अपने टाटा पंच कराने तो आप आ सकते हो ऑटो क्लासिक कार सेल कार डिटेलिंग पर। दो शॉप रहने वाली है, ये ओल्ड वाली शॉप है जो कि अपनी रहने वाली है करोल बाग में, जो नई वाली शॉप है वो अपनी रहने वाली है न्यू रोहतक रोड। बाकी इधर विपुल भाई का, इधर दीपक भाई का नंबर आ रहा है, दोनों भाई को किसी को भी कॉल कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट डाउन। बिल्कुल। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय बाय।